अच्छा, इस रास्ते में क्या समस्या आती है? आने जाने का दिक्कत होता है, यहाँ पे पानी लग जाता है। इस पर स्थानीय जनप्रतिनिधि द्वारा कोई काम किया गया है? आगे रोड पर कचरा है, गाड़ी वाला आता है, छिड़का मार के दुकान तक पहुंचा देता है। जो कोई जनप्रतिनिधि जो है इस पर ध्यान नहीं देता है कि जल निकासी कैसे होगा, नहीं होगा, नल जल का वही स्थिति है यहाँ का। मुखिया जी क्या बोलते हैं? मुखिया जी क्या बोलेंगे, हो जाएगा, आश्वासन देते हैं, और क्या करेंगे। क्या नाम हुआ आपका? डॉक्टर महेश यादव। नमस्कार, न्यूज फॉर बिहार में आपका स्वागत है। जल जमाव की समस्या से जूझ रहे परसौना पंचायत के लोग, प्रशासन नहीं ले रहा सुध। परसा प्रखंड क्षेत्र के परसौना पंचायत के ग्रामीण पिछले एक साल से जल जमाव की समस्या से जूझ रहे हैं। इस गांव की नाली निर्माण नहीं होने से ग्रामीण गंदा पानी को पार कर जाने आने को मजबूर हैं। ताजुब इस बात की है कि परसौना पंचायत का सभी वार्ड 7 निश्चय के लिए चयनित है, जिसके विकास के लिए सरकार द्वारा लाखों रुपए दिए गए हैं। बावजूद एक अदत नाली के ग्रामीण वर्षों से तरस रहे हैं। ग्रामीणों की माने तो इस समस्या का समाधान के लिए वे पंचायत के मुखिया से लगातार वीडियो तक से गुहार लगा चुके हैं, बावजूद किसी भी स्तर पर उन्हें राहत नहीं मिली है। लिहाजा ग्रामीणों का जीवन मुश्किल से गुजर रहा है। जल जमाव के कारण सबसे अधिक परेशानी गांव की महिलाओं व छोटे बच्चों को हो रहा है। बरसात के इस मौसम में बच्चों का स्कूल भी बाधित हो रहा है, जबकि महिलाओं व बुजुर्गों की दिनचर्या भी जल जमाव से बाधित हो रही है। 7 निश्चय के तहत चयनित हैं सभी वार्ड। परसौना पंचायत के सभी वार्ड मुख्यमंत्री के 7 निश्चय योजना के तहत चयनित वार्ड हैं। इस वार्ड के निवासियों को मुख्यमंत्री के 7 निश्चय के तहत नाली, गली, पेयजल, बिजली आदि सुविधाएं मुहैया करानी हैं, लेकिन अभी तक इस वार्ड में योजनाओं की शुरुआत नहीं हो सकी है। ग्रामीण सचिता आनंद शर्मा, राजेंद्र शर्मा, अनामिका कुमारी ने बताया कि इस पंचायत में अभी तक विकास के नाम पर सिर्फ आश्वासन मिला है, इसके अलावा 54 भी खर्च नहीं हुआ है। जल निकासी की व्यवस्था नहीं होने से आने जाने में खासे परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। नाली निर्माण के लिए आंदोलन करेंगे ग्रामीण। परसौना पंचायत में नाली के अभाव से जल जमाव की गंभीर समस्या से जूझ रहे ग्रामीण अब आर पार की लड़ाई के मूड में आ गए हैं। ग्रामीणों का कहना है कि यदि शीघ्र नाली निर्माण नहीं होता है तो जल्दी ही ग्रामीणों की बैठक कर आंदोलन की रणनीति बनाई जाएगी तथा ग्रामीण प्रखंड कार्यालय का घेराव भी कर सकते हैं। ग्रामीण ने कहा, नहीं सुनते हैं अधिकारी। इस गंभीर समस्या के संबंध में जब ग्रामीण कृष्णा सोनी, डॉक्टर महेश यादव, भोला राय, राकेश कुमार शाह से संपर्क किया गया तो उन्होंने कहा कि पिछले वर्ष से ही इस जगह नाली निर्माण के लिए मुखिया व बीडीओ सहित अन्य पदाधिकारियों से गुहार लगा रहे हैं, लेकिन पदाधिकारी व जनप्रतिनिधि उनके गुहार को नहीं सुन रहे हैं। वैसे बताया जा रहा है कि पंचायत प्रतिनिधियों के आपसी खींचतान में ही नाली निर्माण का काम आधा लटका हुआ है। संक्रामक बीमारियों के फैलने का बना है खतरा। पिछले 1.5 साल से परसौना पंचायत के महारानी बाजार, पुरानी बाजार, वार्ड 4 स्थित टोलापुर मुख्य पथ पर हुए जल जमाव से यहां संक्रामक बीमारियों के फैलने का खतरा बना हुआ है, जिससे ग्रामीण दहशतजदा है। ग्रामीणों की माने तो पंचायत द्वारा जल जमाव पर किसी भी तरह का दवा का छिड़काव नहीं हुआ है, जिस कारण महामारी फैलने की आशंका बनी रहती है। वहीं जल जमाव से प्रधानमंत्री के स्वच्छ भारत का सपना भी चकनाचूर हो रहा है। कोई भी व्यक्ति आता है या तो गिरता है या तो फिर उसको पूरा काचर की तरह लग जाता है, नहीं तो आने में ही समझिए कि रास्ता विगत 6 महीने से बंद है और इतना ही स्थिति खराब है कि कोई व्यक्ति अभी जाए या तो गिर जाए या नहीं तो पूरा कचरा लग जाए। हम देखते हैं कि जो भी महिला उधर जाती है तो बिछुल कर गिर जाती है। बड़ी शर्मनाक स्थिति हो गई है रास्ता के, और एक यहाँ है, थोड़ा एक आगे है। इस विषय में हम स्कूटी इंजीनियर से भी बात किए लेकिन कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लिया। फिर जेई से भी बात किए, वो भी नहीं लिए। अभी पता ही नहीं चलता है कि रोड ठेकेदार के है या किसका है। हम सारे प्रक्रिया फोन के द्वारा करके रख चुके हैं लेकिन कोई सवाल नहीं सुनता है। यहाँ पर लग रहा है कि यहाँ कहीं ना कहीं अफसरशाही है,
इसी का हम विशेषतः क्या कहें, और पब्लिक भी चलता है उसको भी रास्ता पर्व त्योहार में चलने में नहीं होता है। मुखिया जी जो आते हैं तो देख कर चले जाते हैं, जिला परिषद आते हैं देख के चले, विधायक जी तो आए भी नहीं करते हैं इधर, उनको समझ में आएगा। सारा गांव के आदमी इसी तरह रहता है, तो हम लोग फुटपाथ पर सोने वाले आदमी है, फुटपाथ सोने वाले आदमी है, तब पर भी क्या होता है कि कचरा मारता है फाचक का, तो घर में सोते हैं क्या करें, इमरजेंसी में है। कितना दिन से ये समस्या है? सब समस्या हमारा बुझाता है कि जिंदगी भर रहता है यहाँ, बीमारी का भी भय बना रहता है, बना रहता है, मच्छर काटता है, मच्छर के चलते सोते नहीं है। इस पर मुखिया जी से बात किए तो क्या बोले मुखिया? मुखिया जी तो आते हैं और जाते हैं, मुखिया जी कुछ पूछते नहीं है। क्या कहते हैं? कहते हैं कि ठीक है फंड आएगा तो ये बनेगा, फंड आएगा तो ये होगा। ठेवना पड़ता मुखिया लोग तो गाड़ी छाई हुई से गिरा देता है लोग, और उसके बाद में वो लोग तो अस्तुत हो जाता है। पब्लिक को मतलब कि गाड़ी घोड़ा जाने आने के लिए बहुत असुविधा होता है, पब्लिक इधर से घूम के जाता है, मतलब कि कचरा बहुत ज़्यादा हो गया है। लोग जल जमाव कितना दिन से है? 2 महीना से। इससे बीमारी का भी भय बना रहता है? हाँ, बीमारी का बना रहता है कचरा से। तो मुखिया जी से आपने इसके बारे में अवगत कराया? मुखिया जी से मिला थी और जिला परिषद से भी मिला कि कई बार ऑटो आदमी कराया, उनसे बोला गया, तो जिला परिषद मिला है कि वह डाबिस मिला है कि जमीन पर से मंगा करके और एक दो गाड़ी यहाँ पर गिरा दिए, उसके बाद वहाँ चला ऊँच हो गया, फिर बीच में आकर के अगर खा रहा है तो पानी जा करके रुक गया, वहाँ आगे और एक स्थान है उस जगह में भी सही यहाँ जब भी बरसात होता है तो पानी लगभग करता है, पानी निकलने का रास्ते नहीं है। तो इस पर आप लोगों ने स्थानीय जनप्रतिनिधि से बोले हैं? मुखिया जी को हम लोग कहे हैं, बाकी वो लोग कहाँ कोई बात सुनता है। मुखिया जी से बोले तो क्या बोले उन्होंने? मुखिया जी बोले हैं कि ठीक है ना, हम लोग व्यवस्था में है। कितना दिन बोले हुए? बोला हुआ जब से बरसात हुआ है तभी से आदमी बोलता है, मतलब यहाँ हरदम रहता है, आज का बात थोड़ी आया है, इनका भी पहले जो मुखिया थे वो भी